आज यहाँ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और ये जो किताब कंपनी में जो की तरफ से गलती हो गई थी, हमने उसको सुधार करके उसको दुरुस्त करके आपके सामने ये छापी गई है। एक इसी के लिए माफ़ी मांगते हुए ये एक हमने एक लेटर आप लोगों को सुपुर्द किया है। हम माफ़ी चाहते हैं और आगे कभी इस तरह की बात नहीं होगी। और मालिकों को बड़ा उसमें कष्ट है, वो उनको किसी भी तरह किसी धर्म को मज़हब को किसी तरह की वो करने की उनके मंशा नहीं थी। ये हो गया है, माफ़ी चाहते हैं बहुत आप लोगों से, आप हमें माफ़ करें। और मैं ऊपर वाले खुदा से भी पैगंबर साहब से भी ये इंतज़ार करता हूँ कि वो हमें माफ़ करें। मेरठ के विद्या प्रकाशन मंदिर नाम के प्रकाशक ने एक इंग्लिश मीडियम की किताब के अंदर बाकायदा जो फोर्थ क्लास की है उसके अंदर हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर उसने शाया करी और इस तरह से शाया करके उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि हमारे पैगंबर का आज तक कोई तस्वीर बनी है ना बनेगी ना कोई बना सकता है। लेकिन कुछ शरारती आदमी जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं और वो बातें माफ़ी मांगते हैं, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हुकूमत जो है ऐसे लोगों को जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। इनके ख़िलाफ़ मुकदमे कायम होने चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई मामूली मामला नहीं है। क्योंकि मुसलमानों की आस्था है, इससे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहतराम वो मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी करता है। कोई आदमी गैर मुस्लिम भी हजूर पाक की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। और इस विद्या प्रकाशन मंदिर वालों ने जिस तरह की एक तस्वीर शाया कर जो उन्होंने वो तस्वीर का रूप दिया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा इसे दो लफ्ज़ों के माफ़ी मांगने से पूरी नहीं होने की जब तक कि इनको सज़ा नहीं मिले। किसकी वजह यह है, क्योंकि इस तरह से तो कोई भी आदमी कुछ बना दे और बाद में माफ़ी मांगता रहे तो ये काम तो चलता रहेगा। जब तक कि इनको जेल ना हो, जब तक कि इनको सज़ा ना हो, तब तक दूसरा आदमी को भी सबक नहीं मिलने का। इसलिए मेरी जमीतुल्मा शहर मेरठ के अध्यक्ष के हैसियत से, नायब शहर कैजी के हैसियत से मेरी दरख्वास्त है कि ये विद्या मंदिर प्रकाशन वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे और लोगों को भी इसका सबक मिल सके। तो विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़ोटो किताब के अंदर छापा गया है, हम अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से कड़े अल्फाज में इसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और साथ साथ में हुकूमत उत्तर प्रदेश से भी ये मांग करते हैं कि इस किताब के ऊपर प्रकाशन करने वाले और लेखक के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए और इस किताब के ऊपर बैन लगाया जाए और ये भी जांच कराई जाए कि आखिर इस तरीके की नापाक हरकत करने वालों की मंशा क्या होती है। क्या वो हमेशा मुल्क के अमन अमान को बर्बाद कर देना चाहते हैं, मुल्क में भाईचारा उन लोगों को पसंद नहीं है। तो हम हुकूमत उत्तर प्रदेश से मांग करते हैं कि इस किताब पर बैन लगाया जाए, इसको प्रकाशन करने वाले इसके लेखकों के ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की बहुत बड़ी अजीम शान शख्सियत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फ़ोटो आज तक दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस तरीके की एक चित्र बनाना, एक फ़ोटो किताब के अंदर शाये करना, ये मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया है। तो हम हुकूमत उत्तर प्रदेश से दोबारा ये मांग करते हैं कि इस किताब के ऊपर बैन लगाया जाए और प्रकाशन करने वाले और लेखकों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।